नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं बिंदु हमारे चैनल बिंदु ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, सब खुश होंगे अपने घर में। भगवान करे आप सब अपने घर में एकदम खुश रहें परिवार के साथ। यहाँ पे देखिए ना, हम बनाने जा रहे हैं ना आटे से चीला। ये देखिए, चीला बनाने के लिए ना हम गेहूँ का आटा लिए हैं। ना तो इसमें रवा डालूंगी, ना तो बेसन मैदा, कुछ नहीं, बस आटे से बनाऊंगी। और इसमें डालने के लिए हम लिए हैं बारीक काट के लहसुन, लहसुन काट के लिए हैं बारीक, और मिर्ची लिए है, हरी मिर्च मतलब 4-5 ले लिए हैं, और जीरा डाले हैं, और 2 बड़ी साइज प्याज, थोड़ी सी डालूंगी हल्दी, थोड़े से इसमें मसाले डालूंगी मैं। आटे का पहले मैं बनाऊंगी घोल, उसमें ना ये सब मिला दूंगी, और स्वाद अनुसार इसमें नमक भी डाल दूंगी मैं। बस मैदे से नहीं, बेसन से नहीं बनाऊंगी, मैं आटे से बना रही हूँ चीला आज। उसका घोल हम बना लिए हैं, उसमें डाल दूंगी मैं ये सारा सामान। इसमें ना मैं थोड़ा सा ना काला नमक भी डालूंगी, और चाट मसाला 1/2 चम्मच चाट मसाला और काला नमक। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, सीला बन के तैयार है। और ये है इमली की चटनी, बच्चे इसी के साथ खाएंगे। ये महाराज अपना गाड़ी लेके दौड़ रहे हैं, यहाँ पे टीवी चालू है, कर्टन भी लगा है, अंधेरा करके रखी है ये दोनों। खाओ ये वाली चटनी के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। ना मम्मी कटन नहीं, कटन नहीं हटाने दे रहे, छोटी यहाँ टेबल में बैठी हुई है। आप दोनों खाते रहो, मैं बना बना के देती रहूंगी। कैसा है? हम ना इसी तरह ना सारा बना, देखिए माथे की बिंदी कहाँ चली गई पसीने से, खराब हो गई है। 4-5 दिन से माथे पे है, तो हम ना ये देखिए कुमकुम लगाए ना पूजा के टाइम पे, पसीना पोंछे हैं, यहाँ से वहाँ गए हैं सब फैल के। चलिए हम इसी तरह ना सब बना ले, सारे काम हो गए हैं, हम डाल रहे हैं मशीन, लगाएंगे कपड़े। यहाँ देखिए ये लोग ना निकाल के रख देते हैं। क्यों बंद कर रहे हो बाबू बार बार? ये छोटी बाथरूम में अगर और कपड़े हो तो दे दो बेटा। बाबू चल चल, हमें ना फ्रिज कर, ओहो मत करिए ना, फिर से भी डबल हो जाएगा, ये मत खोलिए, बार बार बंद करिए, ऐसे डबल हो जाए। हाँ बैलून कहाँ डाला, कहाँ है बैलून, इसमें डाल दिए कहाँ? अरे वो बैलून वो फूलता है ना, वो घास रहता है। चलिए हमें ना वॉशिंग मशीन का कवर लेना है, देखो कब मैं लेती हूँ, दिमाग से निकल जाता है ऑनलाइन देखने के लिए। चलिए ये भी डालना था, भूल गई। देखिए बाबू कपड़े कहाँ लाके फेंका, अभी जो कपड़े सूख गए थे ना,
लाके सबने यहाँ पे रखा है। अभी हमें बेडशीट भी लगाना है, अभी इसको सही करना, सारे में करूँगी मैं फोल्ड। पहले मैं बना दूँ थोड़ा सा खाना, क्योंकि ये लोग सिला खाए हुए हैं, तो उसके बाद अभी लोगों को भूख भी लगेगी। और डेढ़ बज गया है, थोड़ा सा मैं बनाऊँगी कुछ खाना, उसके बाद बच जाएगा दो। कुछ बनाते बनाते खाना मैं इनको सुलाने की कोशिश भी करूँगी, क्योंकि ना बच्चों को लेके निकलना भी है ना 5 बजे। मैं बनाती हूँ खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। बड़े हो गए हैं, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। हाँ, तो है। इसे भी नहीं पहनता रुद्रा, इसी साल अभी लिया था इसको, लेकिन कलर इसको नहीं पहनता ही नहीं। चलो ये तो है, सही है, सब सही है। इसमें कुछ है सिलाई करने है, सिलाई बांध दो मम्मी उसको उधर से। आज मैं बहुत खुश हूँ बच्चों। तुम्हारे पास कुछ और है सिवा अलमारी में जो नहीं पहना है तुमको? मेरे पास तो पूरी अलमारी पड़ी है। इसका पैंट मिला है, मैंने धो के रखा था। हाँ दे दे पापा, पापा मना करते ना वो उसे बिठा, बड़ा है ना, सीधा कर दे। साफ है ना? धो साफ करके रखा है क्या सब? एकदम नया नया है ये जैकेट, बिट्टल ने पहना ही नहीं कभी। हाँ दीदी भैया पहनेंगे ना। और देखो और कोई है क्या? मैं भी देख लूं। तुम्हारा टॉप है एक, वो सीमा मौसी ने जो दिया, मैंने धो के रखा, देखो वॉशिंग मशीन को। तुम और देखो कुछ है? हाँ रुकिए, बच्चे पहनेंगे वहाँ पे। हाँ ना, और कुछ है? नहीं नहीं, रुद्रा का कपड़े हो सकते हैं। रुद्रा के पास तो सभी इसमें रख दिए हैं छोटे छोटे। मैं कौन देख। सो फ्रेंड्स, अभी ना ये वीडियो मेरा कल परसों में आपको देखने को मिलेगा ना था, लेकिन काफ़ी टाइम से सोच रही थी, देखिए 2-3 बोरी कपड़े हैं और देने के लिए, लेकिन कोई नहीं, मैं अचानक से भैया खुद यहाँ पे आ गए हैं, हम दे रहे हैं उनको। देखिए भैया आए हुए हैं। हाँ ठीक है, हमें ना पता ही नहीं था, हस्बैंड हमारे जब थे इधर ना, तो हम कई बार मतलब पनवेल और यहाँ पनवेल भी फ़ोन किए हैं और बदलापुर खार घर में कहीं पर वहाँ पे होते ना किन्नर, मतलब वहाँ के आश्रम पे फोन लग गया। हमें ना बिलीव नहीं करेंगे आप लोग, इतना ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊँ आप सबसे। मतलब काफ़ी आज मैं काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इस काम के लिए कि हमें कपड़े देने के लिए कहीं मिल जाए ना था, लेकिन नहीं मिला। खुद खार घर से ना भैया आए थे, फोन यहाँ पे करड़ी है, उनकी बेटी ने फ़ोन किया था, जॉब करती हैं, तो इसलिए मतलब सब, क्योंकि अभी हमारे सोसाइटी में वो क्या है ना, वॉचमैन नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं, इसलिए ना एक खंडे भैया वो खिलाफत किए, उनके पास ग्रुप मैसेज आया कि सारी बिल्डिंग में एक आदमी है घूम रहा है, हर सबका दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो यहाँ पे मेरे मतलब जीने के पास में मेरे विंग में लड़की रहती है, उन्होंने प्रिया ने बुलाया था, तो सबको ये खिलाफत है कि सिर्फ प्रिया ने बुलाया था तो उसके पास फ़ोन करके जाना चाहिए था कपड़े के लिए, हर बिल्डिंग में क्यों घूम रहा है। तो मैं बोली अगर आते हैं वहाँ से तो हर जगह पे आते हैं, क्योंकि हर जगह का सिस्टम है कि ग्रुप पे नहीं लेते, लेकिन यही सब हो रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं के पास जाना चाहिए था, अभी वॉचमैन भी नहीं है, तो कौन घुसा बिल्डिंग में, कौन नहीं घुसा, इससे पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में ना यहाँ पे एक मर्डर हुआ था, इसीलिए ना सब डर गया। आ जाओ, नहीं गिरोगे, उठा दूंगी मैं। तो सारे कपड़े मैंने भैया को दे दिए, आ गए भैया खुद से लेके गए, हमें ना ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि ना कई बार हम फ़ोन किए थे अनाथालय में 3-4 जगह, मतलब कन्हैया जब थे इधर फ़ोन किए थे, लेकिन ना फ़ोन लगा ही नहीं, अलग अलग फ़ोन लग जाता था। तो अभी फाइनली हमारे कपड़े चले, बहुत ही खुश है, मतलब आप लोग कैसे मैं कहूँ आप सबसे कि मैं कितनी खुश हूँ, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हमारे खुशी का ठिकाना ही नहीं है। तो चलिए इस ब्लॉग के साथ ही ना हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पेंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।